हरे कृष्णा। आप लोग सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और अभिनंदन। वेलकम टू आवर डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जहाँ पे हम हर दिन श्लोक बाय श्लोक, वर्ष बाय वर्ष श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं। और आज का श्लोक संख्या है चैप्टर 1 टेक्स्ट 45। तो जिसके पास भी श्रीमद् भगवद गीता है वो खोल सकता है, और जिसके पास नहीं है वो मुझे मेरे पेज पे मैसेज कर सकता है, मैं उसको फ्री ऑनलाइन PDF कॉपी भेज सकता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकचक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप लोग सभी को स्वागत प्रणाम। वी रीडिंग फ्रॉम चैप्टर 1 टेक्स्ट 45, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शास्त्र पाणय धार्तराष्ट्र राणि हन्योस तन्मे क्षेम तरम भवेत। ट्रांसलेशन अनुवाद। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन ऐसे सिचुएशन में आ गया जब वो बोल रहा है कि उसको नहीं लड़ना युद्ध, क्योंकि फैमिली ट्रेडिशन लॉस हो जाएगा, बहुत सिन आ जाएगा, बहुत पाप हो जाएगा, कुल धर्म का विनाश हो जाएगा, और किसके साथ एंजॉय नहीं कर पाएगा प्रॉपर्टी वेल्थ राजपाट जब अपने लोग नहीं रहेंगे। और अभी क्या कह रहा है, ये सब करने से अच्छा, मतलब कि ये सारे लोग को मारने से अच्छा, इंस्टेड ऑफ किलिंग देम, मैं क्या कर लूँ, मैं निहत्ते खड़े हो जाता हूँ, शस्त्र मैं निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। श्रेयस्कर क्यों होगा, क्योंकि पहले तो क्षत्रिय धर्म क्या है, प्लीज टेल व्हाट इज द क्षत्रिय धर्म और क्षत्रिय स्पिरिट। क्षत्रिय स्पिरिट द मीन, क्षत्रिय का अर्थ यह है क्षत यानी कि घात होना, लगना, हर्ट, एंड त्रिय मीन्स त्राय, त्राय इज प्रोटेक्शन, जैसे बोलते हैं ना त्राहिमाम। सो क्षत्रिय जो आपको लगने से बचाए, हर्ट होने से बचाए, आपकी रक्षा करे, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। और क्षत्रिय के कर्तव्य का क्षत्रिय के रगों में नहीं है भीख मांगना या कायर होना। भारत में ही, इतिहास में, यही महाभारत में जब भीम द्रौपदी के लिए, अपनी पत्नी के लिए 1000 पेटल लोट, 1000 वाला पत्ते वाला कमल को लेने जा रहा था हिमालय, तो जहाँ वो पर्वत में गया तो उधर यक्ष और किन्नर थे, उन्होंने बोला यहाँ पे आना मत, यहाँ पे कुबेर का धाम है, यदि इधर आए तो या फिर कुबेर से परमिशन लेके आओ या फिर हम तुमको मारेंगे। तो भीम ने बोला कि मैं क्षत्रिय नहीं, मैं किससे भीख नहीं मांगता ना फेवर मांगता हूँ, मैं ये लेके जा रहा हूँ तुमको, लड़ाई से मैं तुमको मारूंगा, तुम मुझे रोक ना सके, तुमको रोक सके तो रोक। और भीम ने सबको उधर हरा दिया, लड़ाई करके मार दिया। तो ये क्षत्रिय स्पिरिट है, क्षत्रिय स्पिरिट पीछे हटने वाले में से नहीं है। हमारे भारतीय क्षत्रिय है, कितने हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, जब उनके राज्य में क्या गौरवशाली था राज्य, जो सनातन साम्राज्य है, बहुत गौरवशाली था, क्योंकि ये क्षत्रिय थे। कहते हैं, फैक्ट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आर्मी में 50% मुगल के थे, 50% हिंदू थे, जो सनातन वाले, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करते थे उसमें, तो सेक्युलर थे वो। लेकिन आजकल वाले जो सेक्युलर नहीं, जो आजकल वाले सेक्युलर है ना, आजकल सेक्युलर को, आजकल सेक्युलर लोग बोलते हैं बट दे आर एथियस्ट्स, वो लोग सेक्युलर का बहाना निकालते हैं बट दे बिकम एथियस्ट। असली सेक्युलर कौन है, हम लोग असली सेक्युलर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानामृत को फॉलो, क्यों, क्योंकि हम कोई देखते नहीं, कोई देश, काल, पात्र, जाति, जेंडर, एज, रेस, वी डोंट सी,
हम लोग देखते नहीं कि वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी आए, हरे कृष्ण चैंट करे, भगवान कृष्ण के नियम पालन करे, सरेंडर कर रहा है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी गुण है। तो दैट इज सेक्युलरिज्म। ऐसे नहीं कि ओ हम किसी को कन्वर्ट फोर्सफुली करेंगे, नहीं, देयर इज नो फोर्सफुल कन्वर्शन। सो ये सेक्युलर शब्द का अर्थ, क्षत्रिय वो एक्चुअली सेक्युलर, वो प्रोटेक्ट करते थे, ग्रो करते थे, लोग क्षत्रियों के अंडर दे यूज टू ग्रो, नॉट ऑप्रेस नहीं थे। जब भारत में मुगलों का शासन था तो क्या प्रजा सुखी थी? टैक्स करते थे, कर देते थे, टॉर्चर करते थे, सेक्युलर नहीं थे वो लोग। हमको, हमने हिस्ट्री बुक पढ़ा है कौन सेक्युलर रूलर था और कौन सेक्युलर रूलर नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, क्षत्रिय, ग्रेट क्षत्रिय, राणा प्रताप, झांसी की रानी, स्त्री होने के बाद भी क्षत्रिय स्पिरिट से क्षत्राणी थी वो, और उन्होंने एग्जेम्पलरी क्षत्रिय स्पिरिट दिखाया। बोला कि मैं मर जाऊंगी, आई विल डाई, बट मैं छोड़ूंगी नहीं। दैट इज क्षत्रिय स्पिरिट। अभी चाहे वो कोई भी करे, स्त्री हो पुरुष हो, जब ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं तो हम देख सकते हैं क्षत्रिय कौन होता है। और है, और बहुत एक्सेप्शनल केसेस, भरत महाराज, बहुत। तो क्षत्रिय मतलब नो रनिंग अवे फ्रॉम बैटल, मारू या मरू, कायर लोग क्षत्रिय नहीं होते, राइट? सो अर्जुन अभी बोल रहा है कि मैं निहत्ता रहूंगा तो ये लोग मुझे मारेंगे, तो उसमें मेरे को स्नेह है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट है। एक और बात ध्यान रखिए, क्षत्रिय निहत्ते लोग पर आक्रमण या वार नहीं करते। क्यों? बिकॉज दे, उनका भी कुछ, वो लोग क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हैं, नॉट यूजलेसली, नॉट फॉर देयर ग्रीड एंड पैशन, अपने लोभ के लिए नहीं लड़ते, वो सही प्रकार का क्षत्रिय है। क्षत्रिय लोगों की प्रजा रक्षा, धर्म की स्थापना, इसके लिए लड़ते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, धर्म की स्थापना हुई। तो जहां जहां लड़ाई हुई, जहां जहां लड़ाई, जहां जहां राजा अपने आप से आके सरेंडर कर दिया। क्यों? तभी पूरे भारत में, पूरे भारत बोलूंगा, सिर्फ इंडिया नहीं बोलूंगा, पूरे भारत में सनातन धर्म का पालन हो रहा था अंडर द लीडरशिप एंड रूल ऑफ महाराज युधिष्ठिर। 5000 साल पहले ये हो रहा था। सो ये है क्षत्रिय स्पिरिट। और यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है, क्षत्रिय स्पिरिट में भीख मांगना अलाउड ही नहीं है। आपने देखा होगा क्षत्रिय बोलते, मैं भीख नहीं मांगू, तुम गला काटना है काट दो, लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा, एज ए क्षत्रिय स्पिरिट। तो क्षत्रिय के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, ये रूल है उनका। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, विषम अवस्था मतलब कि वो निहत्ता रहेगा और वो लड़ाई नहीं करेगा, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा, अर्जुन नहीं मारेगा उनको। ये वही अर्जुन है जो वनवास में ताने मार के बोलता था कि एक दिन मैं कर्ण को, दुर्योधन को, कौरव को ये सबक सिखाऊंगा द्रौपदी का अपमान के लिए। और अभी क्या इन लोगों को देख रहा है और बोलता है मेरे को निहत्ता मार दे चलेगा। इट्स द सेम अर्जुन ओवर। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। ऑफ कोर्स, ये मैंने हमेशा कहा है कि भगवान के भक्त लोग कंपैशनेट होते हैं, दयावान होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे विल डू थिंग्स विच नीड्स टू बी डन टू एस्टैब्लिश धर्म। मतलब वो सही कार्य करेंगे जो धार्मिक है, धर्म के लिए शस्त्र भी उठाएंगे। यदि शास्त्र को बचाने के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो ब्राह्मण परशुराम सबसे बड़े एग्जाम्पल है, जिन्होंने 21 टाइम्स इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। ब्राह्मण बाय क्वालिटी, नॉट बाय क्लास, नॉट बाय कास्ट, कास्ट तो है ही नहीं। ब्राह्मण बाय क्वालिटी, बट हैड टू टेक अप क्षत्रिय एज क्वालिटी। क्यों? जरूरत पड़ा था शस्त्र को, शास्त्र की रक्षा के लिए। जब अधर्म हो रहा था तो वही ब्राह्मण को क्षत्रिय को विनाश करना था।
सो कल लास्ट वर्स है इस चैप्टर का, जहाँ पे संजय, उसके बाद नेक्स्ट वर्स है गीता का सार, चैप्टर टू। इसी के साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ समाप्त विराम कर सकते हैं। किसी का आज कोई प्रश्न है तो आप मुझे मेरे पेज पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।